हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं आपको मनोविज्ञान में टैबलेट सीरीज चल रही है उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज उससे आगे के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें आज देखते हैं 41 नंबर पर प्रबलन एंड पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे देखो दोनों नाम आ सकते हैं और दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, सीएल हल है। कौन है, सीएल हल है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, इसके भी कौन है, सीएल हल है। और नेक्स्ट क्या है, सबलीकरण का सिद्धांत, तो इसके भी कौन है, सीएल हल है। 44 देखते हैं चालक अंतनोद पिंडलोद का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक भी कौन है, सीएल हल है। आप इस पे इंपोर्टेंट डालिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 का जो यूपी टेट हुआ था अक्टूबर में, उसमें ये क्वेश्चन साफ साफ सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि चालक अंतनोद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चारों ऑप्शन थे और इसका आंसर था सीएल हल। तो आपको चारों देखने होंगे, चारों किसके हैं, सीएल हल के हैं। कौन कौन से, प्रबलन, व्यवस्थित व्यवहार, सबलीकरण और चालक अंतर्नोद। आप इनका 2 से 3 बार देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब 45 देखते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभी मैं आपको क्या चल रहा है, अधिगम में व्यवहारवाद चल रहा है ना, उसके बाद हम सीधे यही पढ़ेंगे, ये सूक्ष्म वाद पढ़ेंगे। गैस्ट्रॉलवादी ने जो दिए थे उनके बारे में वहां डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल मैं आपको सिद्धांत करा रहा हूँ। इसमें अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। 46 पर देखते हैं सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है यूपीटेट में। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में देखिए मैंने 3 नाम क्यों लिखे हैं यहाँ, कोहलर, बर्दिमर एंड कोफका। इन तीनों ही इसके आएंगे। इसमें से अगर ये तीनों भी नहीं आ सकते, अगर 2 भी आएंगे तो आपको ये लगाना, ऑप्शन देख के अपने पास देखना है। इसमें कोहलर जो थे कौन थे, वही इसके प्रवर्तक थे। कोहलर इसके प्रवर्तक थे। बर्दिमर कौन थे, प्रयोगकर्ता थे, प्रयोगकर्ता थे। और कोफका क्या थे, सहयोगकर्ता थे। तो आपको इन तीनों के बारे में पता चला इन्होंने कैसे इन तीनों का सिद्धांत का दिया था। तो 47th गैस्ट्रॉलवाद संप्रदाय के जनक, इसके भी कौन है, तीनों हैं। आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ तीनों का नाम, इन्होंने कौन कौन से प्रवर्तक हैं, प्रयोगकर्ता हैं और सहयोगकर्ता हैं। 48 पर आइए क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कौन है इसके, कुर्त लेविन है। क्षेत्रीय कुर्त लेविन, क्षेत्रीय कुर्त लेविन, इस टाइप से याद करोगे आप 2 से 3 बार बोल के इजिली याद हो जाते हैं। 49 तल रूप का सिद्धांत। तल रूप का सिद्धांत, इसके भी कौन है, कुर्त लेविन है। कौन है दोस्तों, कुर्त लेविन है। और 50 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा भी गया है, समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत। क्या है, समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत। ये आर टाइट में आया है तो यूपी टाइट में भी मिल सकता है आपको घुमा के। समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत, इसके कौन है, गुत्री है। कौन है, गुत्री है। ठीक है दोस्तों, आगे के अभी पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, इसमें 51 क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। देखो भाई ये आएगा ना लिखा हुआ सामाजिक अधिगम, तो इसका क्या हुआ, अल्बर्ट बंडूरा जी, इन्होंने क्या किया था, सामाजिक अधिगम पे अपने प्रयोग दिए थे। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी सामाजिक अधिगम कहीं दिखाई दे उसका अल्बर्ट बंडूरा प्रतिपादक होंगे। और यहाँ पर पुनरावर्ती का सिद्धांत, क्या है भाई, पुनरावर्ती, जो पुनरावर्ति बार बार होती है उसी चीज़ पर यहाँ पर जिक्र किया है इन्होंने। पुनरावर्ती का सिद्धांत किसने दिया था, जी स्टेनले होल ने, जी स्टेनले होल ने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, गेने हैं। कौन है, गेने है। नेक्स्ट 54 देखते हैं अधिगम मनोविज्ञान का जनक, जो हम अधिगम पढ़ रहे हैं ना, इसके जनक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके कौन है, क्वेश्चन याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट डाल लो यहाँ, आपको कोई नहीं बताएगा इसके कौन है जनक, हरमन इविन होस। कौन है भाई, हरमन इविन होस। 55 देखते हैं अधिगम मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है इससे, यहाँ कौन है, मनोविज्ञान का जनक है। और यहाँ पर क्या है, प्रथम मनोवैज्ञानिक अधिगम के कौन थे, डेकार्टे थे। कौन थे भाई, डेकार्टे थे। हम 56 देखते हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। आपको अगर ये वर्ड कहीं मिलता है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के जनक कौन है, तो कौन है, जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट देखते हैं 57 संरचनात्मक अधिगम। आपको 2 चीज़ बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लेनी है, अधिगम अवस्था और संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है, जेरोम ब्रूनर है।
58 देखते हैं, सामान्यकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? सीएच जड़। कौन? सीएच जड़। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी में भी बहुत बार मिलेगा, सीटेट में भी देखा होगा, बार बार आता है। भाषा विकास का सिद्धांत, मतलब जो भाषा का विकास था ना उसके सिद्धांत के कौन थे प्रतिपादक? चोम्स्की। कौन थे? चोम्स्की। इंपॉर्टेंट डाल लेना 59 पर, ध्यान दे लेना, जहां भी आपको भाषा विकास दिखाई दे वहां पर क्या लगाना है? चोम्स्की। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 60, मांग पूर्ति, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो। कौन है भाई? मैस्लो। और मैस्लो को मास्लो भी लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों नाम मैंने लिख दिए हैं, आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आज तक अभी तक हमारे कितने सिद्धांत हो गए हैं भाई? 60 हो गए हैं। आप इनका रिविजन करना, इनके नोट्स बनाना और इनका रिवीजन करते चलना। मैं एंड में लगभग जब जिस दिन अधिकम चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपके लगभग 60 से 65 क्वेश्चन का अच्छा खासा टेस्ट लूँगा, तो उसके लिए आप इन्हें रेगुलर याद करते रहिए। तो आज हमने कितने 60 पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सब्सक्राइब यूपी पाठशाला।